जनता बोलेगी सुनेंगे सब, बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, एक बार फिर स्वागत है आपका बोल इंडिया बोल में। हिंदू वोट के चाह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जनेबधारी ब्राह्मण साबित करते करते कांग्रेस पार्टी एक कदम आगे बढ़कर अब राहुल को भगवान राम बनाने में जुट गई। दरअसल अब एक पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के बयान ने बिहार के सियासी गलियारे में गर्माहट बढ़ा दी है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सोच पर ही सवाल खड़ा कर दिया। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार ने कांग्रेस नेताओं को डपोर शंकी करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर पाखंड करती है। यूं तो देश भर में राम के नाम का इस्तेमाल कर अपनी सियासी रोटी सेकी जाती है, मगर उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार की सियासत में भी राम का नाम सक्रिय हो गया है। हनुमान जी के पोस्टर और रथ यात्रा निकालने के बाद अब कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष राहुल गांधी में भगवान राम की झलक दिखाने में जुट गई है। यही वजह है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर दी। शक्ति सिंह गोहिल का यह बयान भाजपा को पसंद नहीं आया। भाजपा के नेता प्रमोद कुमार ने गोहिल के बयान को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस नेता डपोर शंकी बयान दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पहले भी चापलूसी में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था, उसी तरह आज के कांग्रेसी भी अपनी सियासत चमकाने के लिए राहुल गांधी की तुलना श्री राम से कर रहे हैं। अभी राम नाम की रोटी सेकना कब बंद होगा ये तो सियासत ही जानती है। आप देश से जुड़ी बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए बोल इंडिया बोल।